हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं हमारा चैनल पेपर हैकर तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है बीएससी पार्ट सेकंड वालों के लिए जुलॉजी का फर्स्ट पेपर है इम्पोर्टेंट है आज आपका यूनिट फोर्थ की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं एवीज और एवीज एंड ममेलियंस की तरफ ठीक है तो एविज और ममेलियन के कुछ लक्षण इसमें दिखाए गए हैं आधुनिक पक्षियों के ऊपर वर्गीकरण दिया गया है तो फोर्थ में और ममेलियन हैं इनके आधार पर क्वेश्चन है आपका जीव जीवित आधुनिक पक्षियों के वर्गीकरण का आधार ठीक है जो आज के समय में आधुनिक समय में जीवित पक्षी है इनके वर्गीकरण का बेस क्या है देखते हैं पक्षियों का वर्गीकरण मुख्यतः चौच पंख तथा पादों की संरचना के आधार पर किया जाता है यानी हम किसी भी मान लीजिए अगर पक्षी का वर्गीकरण करते हैं उनको अलग अलग वर्ग फाइलम संघ में रखते हैं तो मेन चीज़ होती है कि उनकी चोंच की बनावट कैसी है ठीक है उनके पंख किस तरीके के हैं उनके पैर किस तरीके के हैं ठीक है, है? इन्हीं चीज़ों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है तो जो एवीज होते हैं इनको दो दो वर्गों में बांटा गया है एविज को नंबर एक होते हैं आर्कियोथेनिस और दूसरे होते हैं न्योनेथिस ठीक है तो आर्क्योनेथेंस जो होते हैं और न्योनेथिन जो होते हैं इनके अपने अपने अलग अलग करेक्टर्स हैं ठीक है आर्क्योनेथेंस जो होते हैं और न्योनेथिन जो होते हैं इनके अलग अलग करेक्टर्स हम इनके करेक्टर्स की बात करते हैं जर्नल करेक्टर्स ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड ठीक है आधुनिक पक्षियों का यानी न्योनेथिस का जो सामान्य लक्षण हैं उनकी बात करते हैं न्योनेथिस ठीक है ठीक जो पक्षी होते हैं उनके सामान्य लक्षणों की अगर हम बात करें तो सामान्य लक्षण में देखिए नंबर एक आता है जो आधुनिक पक्षी हैं उनमें अग्रपादों में नख नहीं होते हैं ठीक है दूसरी पसलियों में अंकुश प्रवर्ध पाए जाते हैं जिनकी पसलियाँ होती हैं उनमें अंकुश प्रवर्ध भी निकले रहते हैं नंबर तीन है हर्ट फोर चैम्बर्ड में डिवाइडेड होता है इनका जो हृदय होता है वो चार भागों में बटा हुआ होता है आई में पैक्टिन कलगी पाई जाती है जो आईज होती हैं इनमें पैक्टिन कलगी पाई जाती है ठीक है जबड़े दंत विहीन होते हैं यानी जबड़ों में दांत नहीं होते हैं पूछ छोटी होती है यानी टेल आर शॉर्ट टू द मॉडर्न वर्ड्स बड़ी तथा कील युक्त होती हैं जो होती हैं वो बड़ी होती हैं और कील युक्त भी होती हैं नंबर नेक्स्ट आता है स्वर बॉम्स यानी लैरिक्स विकसित टाइप का होता है और पैतृक संरक्षण प्रदर्शित करने वाली ये प्रजाति होती है नंबर लास्ट होता है सैरीबरल हेमिसफियर तथा सैरी वेलम इनमें बड़े टाइप के पाए जाते हैं अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करते मान लीजिए तो हमारे सामान्य लक्षण थे न्यूनीथिस के न्यूनीथिस के सामान्य लक्षणों में आ जाता है कि अग्रपादों में पहली बात तो नाखून नहीं होते हैं दूसरी बात पसलियों में अंकुश प्रवर्ध निकले होते हैं इनका जो हृदय होता है चार भागों में बटा होता है आई में पैक्टिन कलंगी पाई जाती है जबड़ों में दांत नहीं होते हैं पूँछ छोटी होती है स्टेनम बॉम्स बड़ी और कील युक्त होती है स्वर बॉम्ब्स लाइनिक्स विकसित होता है पैतृक संरक्षण प्रदर्शित होता है और सेरीवरल हैमिस्फियर तथा दशहरी बेलम बड़े टाइप के पाए जाते हैं तो ये जो आधुनिक पक्षी हैं न्योनेथिस हैं इनके सामान्य लक्षण हैं अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न बर्ड तो उड़ने वाले तो जितने भी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत मान लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न बर्ड यानी आधुनिक पक्षियों का अगर हम वर्गीकरण करते हैं वर्गीकरण की अगर इनकी बात करते हैं तो देखिए न्योनीथिस जो होते हैं न्योरथिस के अंदर देखिए इनके अंदर कौन कौन से पक्षी आते हैं न्योनीथिस के अंदर देखिए उड़ने में असमर्थ पक्षी जिनको जिनको कहेंगे रेटिटी ठीक है जोड़ने में असमर्थ पक्षी होते दूसरे उड़ने वाले दंत विहीन इन पक्षी इनको कहेंगे कॉरिनेटी ठीक है उड़ने उड़ने वाले पक्षी होंगे लेकिन वो दंतविहीन होंगे उन्हें कॉरिनेट्री में रखा गया है कुछ जलीय पक्षी होते हैं जलीय पक्षी भी इनमें पाए जाते हैं तो इनको एमपैनी के नाम से जाना जाता है कुछ पक्षी युक्त विलुप्त पक्षी होते हैं यानी दंत युक्त होते हैं युक है, लेकिन वो विलुप्त हो चुके हैं तो उनको ओडेंटोगी में रखा गया है तो इस तरह से चार प्रकार के ये पक्षी पाए जाते हैं क्लासिफिकेशन के आधार पर इनके चार टाइप्स होते हैं तो इस तरह की जो आधुनिक पक्षियों की जो अवधारणा है आधुनिक पक्षियों का जो क्लासिफिकेशन है उसके आधार पर देखा गया लगातार पक्षियों में कुछ न कुछ कमी या तो कुछ ऐसे पक्षी होंगे जो उड़ने में असमर्थ होंगे या फिर कुछ उड़ने वाले होंगे लेकिन दंतिहीन होंगे या कुछ जलीय होंगे या कुछ दंत युक्त तो होंगे लेकिन विलुप्त तो होंगे लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए मोर थैंक्स और हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जुलॉजी के हर पेपर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के तीनों पेपर को आप लोगों तक वीडियोज़ प्रोवाइड कराएंगे लगातार हमारे चैनल को देखते रहने देखते रहिएगा हम फिर किसी नई वीडियो में उपस्थित होते हैं